सबसे बड़ी खबर इस समय बिहार के ससाराम से आ रही है, जहां पर रामनवमी की जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस पर पथराव हुआ, उसके बाद हिंसा अब भड़क गई है। दो समुदाय के बीच न केवल पत्थरबाजी हुई, पथराव हुआ, बल्कि गोली भी चली, और अब धारा 144 को ससाराम के हिंसा वाले इलाके में लागू कर दिया गया है। बहुत बड़ी चिंता की बात है, ससाराम के हिंसा वाले इलाके में अब धारा 144 को लागू किया गया है, क्योंकि जब श्री राम नवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो पहले पथराव हुआ, गोलीबारी हुई, हिंसा के इलाकों में अभी भारी पुलिस बल, आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, उनको तैनात किया गया है, पुलिस वाले घायल हुए हैं, गोलियां चली हैं, पुलिस वाले घायल हुए हैं इस गोलीबारी में। और यहां बड़ा प्रश्न यह उठता है कि शहर शहर इस तरह की हिंसा क्यों हुई, दो समुदाय के बीच पथराव और गोलीबारी, और आप ये सोचिए कहां वडोदरा गुजरात और कहां ससाराम बिहार। मेरे सहयोगी रोहित सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, आखिर यह हिंसा एकाएक भड़की कैसे ससाराम में, हुआ क्या? देखिए गौरव, इस बात की अभी जांच चल रही है कि हिंसा की वजह क्या थी, लेकिन यह हिंसा आज सुबह जो है वो भड़की, तकरीबन 8:30 के आसपास बताया जा रहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद ही जो दो पक्षों के जो लड़के हैं वो आपस में भिड़ गए, उसके बाद दोनों पक्षों के तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, और इतनी ज्यादा पत्थरबाजी हुई कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा क्षेत्र रणभूमि में तब्दील हो गया है और चारों तरफ पत्थर जो है वो बिखरे हुए हैं, और हालात इतने बेकाबू हो गए कि फिर पुलिस को वहां पर, प्रशासन को वहां पहुंचना पड़ा, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी है, और ऐसी अपुष्ट जानकारी आ रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को गोली भी लगी है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। और फिर पुलिस को आनन फानन में पूरे इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी है, क्योंकि पूरा शहर जो है वो अब तनावपूर्ण स्थिति पूरे शहर में अब जो है वो फैली हुई है, और इसी के कारण से प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है और 6 घरों में आगजनी भी की गई है। तो आप समझ सकते हैं गौरव कितनी तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त ससाराम में है बिहार। क्या ससाराम में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, और क्या पुलिस इस बात की पुष्टि कर पा रही है कि एकाएक इस तरह ये हिंसा भड़की क्यों? आप ये देखिए ना कि कभी वडोदरा गुजरात, तो कभी संभाजी नगर और जलगांव महाराष्ट्र, फिर हावड़ा बंगाल, और अब ससाराम बिहार, क्या इन सब के तार कहीं जुड़ रहे हैं? देखिए एक बात तो साफ है कि इन सभी जगहों का जहां आपने नाम लिया है, सभी जगह सांप्रदायिक हिंसा ही हुई है, और वैसे ही ससाराम में भी घटना घटी है, लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो ये है कि किसी तरीके से जो हिंसा भड़की हुई है उस पर लगाम लगाया जाए, उस पर काबू पाया जाए, और लगातार जो उस इलाके में CCTV फुटेज लगे हैं जहां पर ये पूरी घटना घटी है उनको भी खंगाला जा रहा है, जो उपद्रवी है जो इस घटना के पीछे शामिल हो सकते हैं वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं। गौरव, हम इसकी अभी जानकारी नहीं दे पाएंगे कि किसके तरफ से पहले जो है वो पत्थरबाजी की गई, लेकिन उपद्रवी जो भी थे उनकी धरपकड़ के लिए CCTV के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता प्रशासन की ये है कि धारा 144 लगा दी गई है, और तनावपूर्ण स्थिति जो इस वक्त शहर में देखी जा रही है उसे किस तरीके से नियंत्रित किया जाए ये सबसे पहली प्राथमिकता है, लेकिन तनाव बना हुआ है पूरा का पूरा शहर में, आप देखिए पत्थर जो है वो बिखरा पड़ा है, और 6 घरों में आग के हवाले भी जो है उसे कर दिया गया है, और प्रशासन के सामने और नीतीश सरकार के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है किस तरीके से जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उस पर लगाम लगाया जाए। गौरव।